कमठो पुष्टस्तनी, मेरा कमठ माने पूर्ण अवतार वह आपके श्री वक्षस्थल उनके ऊपर विराजमान, उनकी कठोरता के रूप में विराजमान है, उनसे संगत होकर के विराजमान है। क्रोधेन स्फुरता, क्रोध शब्द के दो अर्थ है, क्रोध माने कटी, वो ही मानो क्रोध माने मेरा वराह स्वरूप है। और तवाय मधरा प्रहलाद संवर्धन, हे प्रिय आपके अधर प्रहलाद का संवर्धन, आनंद का संवर्धन करने वाले हैं। और प्रहलाद संवर्धन के द्वारा दिखाया कि वो जो सिंह नृसिंह स्वरूप था, जो प्रहलाद का संवर्धन करने वाला था, वो भी आपके अधीन हो गया। और मध्यो सौ बल बंधन, आपकी उदर में परम सुंदर त्रिवली बुनियादी शोभा को प्राप्त हो रही है। और ये त्रिवली यह दिखा रही है कि मैंने जो बल बंधन स्वरूप वामन स्वरूप धारण किया वो भी आपके अधीन है। और मुखरोचा रामास कया निर्जेता, और आपने अपनी मुखरू की कांति से रामा माने सभी सुंदरियों को, ब्रज की और स्वर्ग की, वैकुंठ की सारी सुंदरियों को निर्जेता जीत लिया है। तो रामा शब्द के द्वारा तीनों राम, श्री परशुराम, श्री दाशरथी राम और श्री बलराम, इन तीनों को आपने जीत लिया है। और ले भे श्री घंटाद्धि, मैंने जो बुद्ध अवतार धारण किया था वो श्री घन स्वरूप भी आपके श्री अंग की ये जो चंदन है उन चंदनों से युक्त होकर के विराजमान है। हे माननी, अब रह गया केवल एक अवतार, वो है कल के अवतार। सो मालूम पड़ता है कि मनसी कल के ता अंगीकृता, आपने मन में वो कली अवतार उसको धारण कर रखा है और कला करने के लिए आमादा हो रही हो, कला करने के लिए बिल्कुल कमर कस के बैठी हो कि मैं शाम से कला करूंगी ही करूंगी, झगड़ा करूंगी। तो ये आपने क्यों कल के अवतार को भी अपने अधीन कर लिया है। श्री ललता जी से राधा ने कहा, सुनी ललता ये क्या कह रही हैं? ललता जी तुरंत बोली, वे श्याम सुंदर तुम्हारे जो अवतार है ना वो हमारी सखी में नहीं है, भले सखी के आपने अधीन करना चाहे परंतु वे सखी के अधीन नहीं हो रहे हैं, वे सारे अवतारों के दुर्गुण अभी भी तुम में योगी क्यों विद्यमान है। क्योंकि पुरानी कहावत है कि सती च योषित प्रकृति निश्चला को मान समे थे भवान तरेश्वरी। माघ काव्य में कहीं शिष्यपाल वध में निरूपण किया गया कि पतिव्रता पत्नी और निश्चल स्वभाव ये व्यक्ति दूसरे जन्म में भी प्राप्त करता है, पूर्व जन्म के संस्कार दूसरे जन्म में भी आते हैं। तो आपने जब कृष्ण अवतार धारण किया है तो पहले पहले जितने भी अवतारों के सारे दुर्गुण यो की त्यों तुम में अभी भी विद्यमान है। जैसे चंचलता मछली की तुम में विद्यमान है, जैसे कठोरता कछुए की वो तुम में विद्यमान है, जैसे छल करने का धोखा देने का गुण वामन भगवान का वो तुम में विद्यमान है, छल करने वाले होकर के विराजमान हो, जैसे जो परशुराम की कठोरता वो तुम में विराजमान है, तुम्हारे नख वे अभी भी हिरण्य कश्यप को जैसे फाड़ने वाले ऐसे अभी भी तुम्हारे नख कठोर होकर के विराजमान है। और नख जो है उनका नखक्षत इत्यादि में तुम प्रयोग करते हुए अभी विराजमान हो, तो वो नृसिंह रूपता तुम में अभी तक नियोगित विद्यमान है। और धर्म का नाश करना ये तो विशेष रूप से तुमने सीखा हुआ है। श्री बल जो भगवान थे जिन्होंने यज्ञ का नाश किया, बुद्ध भगवान जिन्होंने कर्मकांड का विनाश किया, तुम भी धर्म नाश करने में बिल्कुल जुड़े हुए हो। ब्रजगोपिकाओं के लोक वेद धर्म का विनाश करने में तो वो बुद्ध भगवान का जो गुण है वो भी तुम में विराजमान है, बलदाऊ जी की मदमत्तता तुम में विराजमान है, रामचंद्र जी की
कठोरता तुम में विराजमान है, परशुराम की निर्दयता तुम में पूरी तरह से विराजमान है, और रहा कली, वो कली की कली अवतार की, कल की अवतार की जो कले कला करने का गुण है वो तो तुम में विराजमान है, तो पुराने गुण कहीं गए थोड़ी है, वे तो सब तुम में ही है, जो दशावतार तुम में ही होगी क्यों विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय।